करते हैं। ओबीसी आरक्षण विसंगति दूर करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमिलन नियम में किया गया है संशोधन। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षतिजिया और जेंटल श्रेणीवार आरक्षण मिलेगा। SC/ST के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, जो अभी हाल ही में ओबीसी विसंगति थी, क्या मानकर चले इसके साथ पूर्ण रूप से वो विसंगति दूर हो गई? देखिए, जिस तरह से हरीश चौधरी जो हैं विधायक, उन्होंने आंदोलन किया था और जो युवा थे उनकी मांग ये थी कि ये एक बड़ी विसंगति है जिसे दूर किया जाए, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेंटल श्रेणीवार आरक्षण नहीं सुनिश्चित हो पा रहा था और पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी जो हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के अलावा, उनका भी प्रतिनिधित्व सम्यक रूप से सुनिश्चित हो सके, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। और एक बार कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें यह एजेंडा केवल चर्चा का विषय बनकर रह गया था, जिसके बाद भी उन्होंने विरोध जताया था। तो जब दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई अगली बार, तो इसे कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में लिया गया और इस संशोधन को अनुमोदित किया था। तो इसके बाद अब कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जो SC/ST के भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका जो चयन नहीं कम हो पा रहा था, उनको अब समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही जो चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में जो समायोजित होने के चलते जो एक विसंगति पैदा हो रही थी, वो दूर हो सकेगी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।